आ गया, लेकिन व्यवस्था है मुझे 5 बजे जयपुर में कार्यक्रम को संबोधित करना है और उस कार्यक्रम का उद्घाटन मुझे आज सुबह करना था 11 बजे, लेकिन आपके कार्यक्रम के लिए मैंने उनको बोला उद्घाटन में किसी और को बुला लीजिए, मुझे आज अपने गुरुओं से मिलना है, गुरु माताओं से मिलना है। सबसे पहले भगवान विष्णु और उनके सभी अवतार भगवान राम कृष्ण को प्रणाम करता हूं, अपने 24 तीर्थंकर को प्रणाम करता हूं, अपने 10 सिख गुरुओं को प्रणाम करता हूं, गौतम बुद्ध जी को प्रणाम करता हूं, अपने उन महान राजाओं को प्रणाम करता हूं जिसके कारण आज हमारे हाथ में रक्षा है, हमारे माथे पे तिलक है, अपने उन सभी राजाओं को प्रणाम करता हूं, नमन वंदन करता हूं जिसके कारण आज हमारी माताएं मंगलसूत्र पहनती हैं, माथे में सिंदूर लगाती हैं और आप सब पटका डाल के बैठे हुए हैं। इसके लिए आइए एक बार सब लोग महाराणा प्रताप को नमन करें, राणा सांगा को नमन करें, पृथ्वीराज चौहान को नमन करें, राणा कुंभा को नमन करें, राणा जवान सिंह को नमन करें, राणा गंगा सिंह को नमन करें, महाराजा हरि सिंह को नमन करें, सवाई हरि सिंह को नमन करें, हमीर सिंह, राव सिंह, बप्पा रावल और अरंगपाल तोमर को नमन करें। अगर ये राजा नहीं रहे होते, अगर ये महापुरुष नहीं रहे होते तो शायद आज हमारा नाम भी कुछ अलग होता, हमारी पहचान भी कुछ अलग होती, हमारा निशान भी अलग होता, शायद मुंह छोटी होती, दाढ़ी बड़ी होती, शायद हाथे में कलावा नहीं होता, बहुत कुछ बदल चुका होता। आज 25 अक्टूबर है, हम लोगों ने कुछ दिन पहले दशहरा मनाया और कुछ दिन के बाद 31 अक्टूबर को दीपावली मनाएंगे। 1947 में 24 अक्टूबर को दशहरा था, कब था? 24 अक्टूबर। इस बार दशहरा कब था? 13 अक्टूबर को। 1947 में भी लालकृष्ण आडवाणी जी, राम जेठ मलानी जी, मिल्खा सिंह जी, गुलजार साहब, पृथ्वीराज कपूर, सुनील दत्त, प्रेम चोपड़ा, लाला अमरनाथ, ऋतिक रोशन के दादा रोशन साहब, इन सब लोगों ने अपने अपने घर में होली मनाई थी, अपने अपने घर में मकर संक्रांति मनाई थी, अपने अपने घर में नवरात्रा मनाया था, अपने अपने घर में सारे त्योहार मनाए थे। और कब तक मनाए थे? 31 जुलाई तक। जब 31 जुलाई तक आडवाणी जी, जेठमलानी जी, पृथ्वीराज कपूर, इंद्र कुमार गुजराल साहब, मनमोहन सिंह जी, जब ये लोग त्योहार मना रहे होंगे तो क्या इन्होंने सोचा होगा कि अगस्त में क्या होने वाला है? जोर से बोलिए जरा। मैंने ये नाम इसलिए लिए कि ये नाम आप भी जानते हैं, वैसे तो ऐसे लाखों लोग थे जो सब कुछ त्योहार अपने घर में मना रहे हैं, ये नाम इसलिए लिए कि आपको याद हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा बाकी छोड़िए, अभी जुलाई 2024 में बांग्लादेश में हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख ने सोचा था क्या अगस्त में क्या होगा? सोचा था क्या? लेकिन हुआ कि नहीं? 1805 में गंधार, जिसको अफगानिस्तान कहते हैं, वहां के प्रधानमंत्री थे पंडित नंदराम टिक्कू, कश्मीरी ब्राह्मण थे। वर्तमान अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित नंदराम टिक्कू, कश्मीरी ब्राह्मण थे। जब 1805 में प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सोचा क्या कि 20 साल के बाद उनको सब कुछ छोड़ के भागना पड़ेगा? सोचा होगा क्या? प्रधानमंत्री बनने के बाद तो कोई ऐसे नहीं सोचता, नहीं सोचता, लेकिन भागे। लाहौर के लोग, कराची के लोग, काबुल के लोग,
पहले इसके नाम अलग अलग हुआ करते थे। रावलपिंडी नाम पहले उसका तक्षशिला था। वहां के लोगों ने सोचा था क्या कि 10 साल 20 साल के बाद क्या होगा, सोचा था क्या? लेकिन जो नहीं सोचा वो हुआ कि नहीं? आप लोगों को 10 साल के बाद क्या होने वाला आपने कभी सोचा क्या? 20 साल के बाद क्या होने वाला कभी सोचा क्या? नहीं, क्योंकि सोचने से डर लगता है इसलिए सोचते ही नहीं। ये इंसान की फितरत है, वो ऐसी चीज नहीं सोचना चाहता जो होने वाला है, जो सच है होगा फिर भी नहीं सोचना चाहता। हम जानते हैं कि पिताजी खत्म होंगे फिर भी सोचते नहीं है, ठीक है भाई खत्म होंगे तो खत्म होंगे। हम जानते हैं हमारी पत्नी खत्म होगी, सोचते नहीं है, ठीक है खत्म होगी तो खत्म होगी। हम जानते हैं हमारे पति खत्म होंगे लेकिन सोचते नहीं है, ठीक है होंगे तो होंगे। ऐसे ही हमारे देश के साथ क्या होगा हम इसको भी नहीं सोचते। जब घर वालों के बारे में नहीं सोचते तो देश के बारे में कहां सोच सकते। आज हमारे सामने सारे गुरु बैठे हैं, गुरु माताएं बैठी हैं, गार्गी मैत्रेयी बैठी हैं और चाणक्य बैठे हुए। मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं थोड़ा इसके बारे में चिंतन शुरू करिए, थोड़ा सोचना शुरू करिए। और सबसे अच्छी बात यह है आज की डेट में ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप सोशल मीडिया उपयोग करते हैं तो मेरे साथ जुड़ जाइए, आधी बात मैं आपको ऐसे ही बताता रहूंगा, आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। मैं यही काम करता हूं, मंडे टू फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट रहता हूं, सैटरडे संडे बाहर रहता हूं। आज मेरा 90वां जिला है, 2024 का 90 90वां जिला है। शाम को जयपुर 91वां जिला हो जाएगा, कल शाम को जलपाईगुड़ी 92वां जिला होगा और परसों सिलीगुड़ी 93वां जिला होगा। पिछले साल में 115 जिलों में गया था, एक रविवार को अपने घर में था क्योंकि दिवाली थी। उसके पिछले साल में 90 जिलों में गया था, तीन रविवार अपने घर में था क्योंकि त्योहार पड़ गए थे। इस साल अभी एक रविवार अपने घर में था क्योंकि पिछले शनिवार को दशहरा था, तो दशहरे के कारण हम दशहरा और एक दिन और हमने आराम किया था पिछले रविवार शनिवार, जो 12-13 अक्टूबर को शनिवार रविवार था उसमें मैं अपने घर में था। मैं सोचता हूं इसलिए बेचैन हूं, मैं कैलकुलेशन करता हूं इसलिए बेचैन हूं, मैं इतिहास को पढ़ता हूं इसलिए बेचैन हूं। पर्सिया कितने दिन में ईरान बना इसको मैंने पढ़ा इसलिए बेचैन हूं। दुर्योधन का ननिहाल गंधा कितने दिन में अफगानिस्तान बना इसको पढ़ा इसलिए बेचैन हूं। माता कैकेयी जहां से आई थी, भरत का ननिहाल कैकेयी कितने दिन में पेशावर बना ये पढ़ा इसलिए बेचैन हूं। कुंभा काबुल कितने दिन में बना, तक्षशिला रावलपिंडी कितने दिन में बना इसको पढ़ता हूं इसलिए बेचैन हूं। 1990 में माताओं बहनों का कश्मीर में बलात्कार हुआ इसको पढ़ा समझा मूल कारण को जाना इसलिए बेचैन हूं। भारत के 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, वर्तमान भारत के, अफगानिस्तान निकल गया, मालदीव निकल गया, पाकिस्तान निकल गया, बांग्लादेश निकल गया, वो छोड़िए, वर्तमान भारत के 28 राज्यों में से 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं ये मैं जानता हूं, ये मैंने पढ़ा है इसलिए बेचैन हूं। भारत में कुल 800 जिले हैं, 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू खत्म हो गए हैं इसको मैंने पढ़ा जाना, वहां जाके देखा हिंदुओं की क्या हालत है इसलिए बेचैन हूं। भारत में 6000 तहसीलें हैं, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, वहां जाके मैंने देखा हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है इसलिए बेचैन हूं। भारत के बॉर्डर पे 300 तहसीलें हैं और उन 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है, उसको जाना, जाके देखा, पढ़ा, समझा इसलिए बेचैन। इसीलिए मंडे टू फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट में लड़ता रहता हूं और सैटरडे संडे आप लोगों के बीच में आप लोगों से मिलता रहता हूं।
आप लोग केवल इतना काम कर लीजिए, छोटा सा काम, स्मार्टफोन आपके पास है क्या? सबके पास है? आप केवल फेसबुक पे अकाउंट बना लीजिए, अपने नाम के 5000 लोगों को जोड़ लीजिए, समस्या लिखिए, मूल कारण लिखिए, अस्थाई समाधान लिखिए, इतना कर दीजिए, मेरा आधा काम हो जाए। कर सकते हैं क्या? और कैसे फेसबुक पे मित्र बनाना वो भी बताता हूं। आपका नाम नागेश्वर दधीच है तो पहले नागेश्वर नाम के लोगों को फ्रेंड बनाइए, नागेश्वर मिलने बंद हो जाए तो नागेश नाम के लोगों को फ्रेंड बनाइए, और नागेश्वर और नागेश दोनों बंद हो जाए तो दधीच नाम के लोगों को अपना दोस्त बनाइए। इतने में आपके 5000 दोस्त बन जाएंगे। अच्छी बात यह होगी जब आप नागेश और नागेश्वर के नाम से दोस्त बनाएंगे तो ब्राह्मण भी दोस्त बन जाएंगे, क्षत्रिय भी दोस्त बन जाएंगे, वैश्य भी दोस्त बन जाएंगे, दलित भी दोस्त बन जाएंगे, केरल का नागेश्वर भी दोस्त होगा, कश्मीर का नागेश्वर भी दोस्त होगा, गुजरात का नागेश्वर भी आपका दोस्त होगा, बंगाल का नागेश्वर भी दोस्त होगा। तो भीलवाड़ा में बैठे बैठे आप जो बात लिखेंगे वो तो पूरे भारत में पहुंच जाएगी। आपका नाम अगर उषा मीणा है, उषा उषा नाम से आप दोस्त अपना फेसबुक फ्रेंड बनाइए, उषा मिलनी बंद हो जाए मीणा के नाम से बनाइए, उषा मीणा भी मिलना बंद हो जाए अपने गोत्र के नाम से बनाइए, आपका गोत्र भारद्वाज है तो भारद्वाज वालों को बनाइए, कश्यप है तो कश्यप वालों को बनाइए, दधीच है तो दधीच को बनाइए, व्यास है तो व्यास को बनाइए। लेकिन जोड़िए, समझाइए। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप अध्यापक हैं, आप ओपिनियन मेकर हैं। एक चाणक्य ने एक चंद्रगुप्त को खड़ा करके अखंड भारत बना लिया। जिस दिन भारत के सभी चाणक्य के सभी शिक्षक खड़े हो जाएंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं भारत की सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। केवल भारत के शिक्षक प्रतिदिन 1 घंटे राष्ट्र को देना शुरू कर दें, प्रतिदिन 1 घंटे, बस 1 घंटे, और घर में बैठे बैठे, जाना भी नहीं, मैं कह रहा हूं कहीं नहीं जाना, केवल इतना ना काम करिए, पहले जागरूकता तो आ जाए। क्योंकि भीलवाड़ा के नागेश्वर को प्रॉब्लम पता है, लेकिन सवाई माधेपुर के नागेश्वर को समस्या नहीं पता है। तो पहले सवाई माधेपुर वाले नागेश्वर को समस्या तो समझ ले। और आप किसी गलत फहमी में मत रहिए, जब मैंने कहा 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो गए, 200 जिलों में खत्म हो गए, 1500 तहसीलों में खत्म हो गए, तो आपको लग रहा है ठीक है भारत में खत्म हो गए होंगे, हमारे राजस्थान में सब ठीक है। तो एक काम करिए, अभी कुछ दिन पहले लोकसभा चुनाव हुआ कि नहीं, लोकसभा में वोटर लिस्ट अपडेट होती है कि नहीं? अरे आप ही लोग अपडेट करते हैं, सारी वोटर लिस्ट भारत के शिक्षक ही तो बनाते हैं, हमारी पत्नी अध्यापिका है, उनकी भी ड्यूटी लगती है, इसलिए मुझे पता है। जनगणना 10 साल में होती है, लेकिन वोटर लिस्ट हर चुनाव की पहले अपडेट होती है। 1999 की वोटर लिस्ट अपने लोकसभा की और 2024 की वोटर लिस्ट अपने लोकसभा की, एक बार लेके बैठ जाइए। 1999 में आपके लोकसभा में कुल कितने वोटर थे, उसमें कितने परसेंट हिंदू थे, यह देख लीजिए, और वर्तमान करंट वाली वोटर लिस्ट में कुल कितने वोटर हैं और कितने परसेंट हिंदू हैं, यह देख लीजिए। केवल 1999 और 2024 की लोकसभा की वोटर लिस्ट कंपेयर कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मामला गंभीर है, आपको समझ में आ जाएगा परिस्थितियां बदल रही हैं, आपको समझ में आ जाएगा मामला ठीक नहीं है, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। अभी आप घर बनाते हैं तो ये कल्पना करके बनाते हैं 50 साल चलेगा, मैं भी रहूंगा मेरा बेटा भी रहेगा। कुछ लोग घर बनाते हैं सोचते हैं मैं भी रहूंगा मेरा बेटा भी रहेगा, बेटे का बेटा भी रहेगा, यानी पोता भी रहेगा, इतनी कल्पना करके चलते हैं। लेकिन पहले ये भी तो सोचिए 50 साल बाद भारत का क्या होगा, 50 साल के बाद क्या वैसा ही भारत रहेगा जैसा आज है? एक बार अपने वोटर लिस्ट की कंपेरेटिव एनालिसिस कर लीजिए, अजमेर की डेमोग्राफी बदल चुकी है,
आपके बेवर की डेमोग्राफी बदल चुकी है, और बाकी तो छोड़िए, स्पेशली मैंने भीलवाड़ा की वोटर लिस्ट को चेक किया, आपके भीलवाड़ा की डेमोग्राफी बदल चुकी है। और मैंने ज्यादा नहीं चेक किया, केवल 1999 की लोकसभा की वोटर लिस्ट और 2024 की वोटर लिस्ट को चेक, उसी को कंपेयर किया, बस इतना ही काम किया, कोई ज्यादा काम नहीं किया। आप भी करके देख लीजिए, आपके राजस्थान में डीडवाना की डेमोग्राफी बदल गई, केकरी नागौर शाहपुरा की डेमोग्राफी बदल गई, टोंक बांसवाड़ा डूगरपुर की डेमोग्राफी बदल चुकी है, आपके राजस्थान के प्रतापगढ़ भरतपुर डींग की डेमोग्राफी बदल चुकी है, धौलपुर गंगापुर करौली की डेमोग्राफी बदल गई है, सवाई माधोपुर अनूपगढ़ बीकानेर की डेमोग्राफी बदल गई है, हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर अलवर की डेमोग्राफी बदल गई है, कहीं की 5% बदली है, कहीं की 8% बदली है, कहीं की 10% बदली है, और कुछ जगहों की तो 15-20% डेमोग्राफी बदली है। आपके दौसा की डेमोग्राफी बदल गई है, डूडू जयपुर तिजारा की डेमोग्राफी बदल गई है, कोटपुतली वाड़ में जैसलमेर की डेमोग्राफी बदल गई है, जोधपुर फलोदी और बूंदी की डेमोग्राफी बदल गई है, झालावाड़ कोटा जालौर की डेमोग्राफी बदल गई है, पाली सिरोही संचौर की डेमोग्राफी बदल गई है, चूरू झुंझुनू नीमका थाना की डेमोग्राफी बदल गई है, सीकर चित्तौड़गढ़ राजसमंद और उदयपुर की डेमोग्राफी बदल चुकी है। आप हमारी बात मानते हैं तो मान लीजिए, और नहीं मानते हैं तो अपने लोकसभा की 1999 की वोटर लिस्ट और 2024 की वोटर लिस्ट को कंपेयर करके खुद देख लीजिए। लोकसभा की वोटर लिस्ट में मिले, एक काम करो, अपने विधानसभा की 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट और वर्तमान वोटर लिस्ट को कंपेयर कर लीजिए, वो भी ना मिल रही हो, अपने ग्राम प्रधान के चुनाव के समय जो वोटर लिस्ट अपडेट होती है उसकी वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट कंपेयर कर लीजिए। आप शहर में रहते हैं, अपने वार्ड की वर्तमान वोटर लिस्ट 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट कंपेयर कर लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा क्या हो क्या। मूल कारण पे मैं कई बार कह चुका हूं, मूल कारण है घुसपैठ धर्मांतरण जनसंख्या विस्फोट। घुसपैठ धर्मांतरण जनसंख्या विस्फोट तब रुकेगा जब कठोर कानून बनेगा, जागने से नहीं बनेगा। जागना जरूरी है, जगाना जरूरी है, समझाना जरूरी है, लेकिन इलाज कहां होगा इसका? कहां होगा इलाज? संसद में। कानून कौन बनाएगा? या तो विधानसभा में बनेगा या तो संसद में बनेगा, लेकिन संसद विधानसभा में कानून तब बनेगा जब आप लोग बोलना शुरू करेंगे, आप लोग कहना शुरू करेंगे, आप लोग टोकना शुरू करेंगे। आप सब लोग शिक्षक हैं, इसलिए मैं आपसे कहता हूं, जब तक हम अपने नागरिक कर्तव्य को नहीं निभाना शुरू करेंगे, आज मिलते हैं सांसद विधायक से, मिलते हैं शादी का निमंत्रण देने के लिए सांसद विधायक से, मिलते हैं गृह प्रवेश का निमंत्रण देने के लिए सांसद विधायक से, मिलते हैं जन्मदिन मनाने के लिए सांसद विधायक से, मिलते हैं फोटो खिंचवाने के लिए सांसद विधायक से, मिलते हैं सेल्फी लेने के लिए। दुर्भाग्यवश सांसद विधायक से अच्छा कानून बनाने के लिए नहीं मिलते, ये हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं और इसलिए कानून नहीं बदल रहे। याद रखिए, बीमारी डॉक्टर बदलने से ठीक नहीं होती। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक होती है। डॉक्टर बदलने से बीमारी कभी नहीं ठीक होती है, दवाई बदलने से बीमारी ठीक होती है। अंतिम में शरीर में इंजेक्शन जाता है, टैबलेट जाती है, कैप्सूल जाता है, दवाई जाती है, सिरप जाता है, डॉक्टर जाता है क्या शरीर में आपके? इसलिए डॉक्टर लाख अच्छा हो, दवाई घटिया हो, बीमारी ठीक नहीं होती। यहां माताएं बहनें बैठी हैं, आपको भोजन बहुत अच्छा बनाना आता हो, आपका तेल मसाला खराब हो, अच्छा भोजन बनेगा क्या? जोर से बताइए जरा। आप बहुत अच्छी गाड़ी चलानी आती हो, आपकी गाड़ी खराब है, यात्रा सुरक्षित होगी क्या? जैसे डॉक्टर अच्छा हो, दवाई घटिया हो, बीमारी ठीक नहीं होती, ड्राइवर अच्छा हो, गाड़ी खराब हो, यात्रा सुरक्षित नहीं होती, वैसे शासक अच्छा हो लेकिन नियम कानून घटिया हो तो देश सुरक्षित नहीं होता। और बहुत सारे देशों को हमने डूबते हुए देखा है, आप भी पढ़िएगा, आपको भी समझ में आ जाएगा कैसे देश डूबे हैं।
और इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, पंडित नंदराम टिक्कू अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री थे, उसके बाद तख्ता पलट हो गया, उनको भगा दिया गया और बाद में अफगानिस्तान में न ब्राह्मण बचे, न क्षत्रिय बचे, न वैश्य बचे, न दलित बचे, न हिंदू बचे, न जैन बचे, न बौद्ध बचे, न सिख बचे। पाकिस्तान में न ब्राह्मण बचे, न क्षत्रिय बचे, न वैश्य बचे, न दलित बचे, न हिंदू बचे, न जैन बचे, न बौद्ध बचे, न सिख बचे। ईस्ट बंगाल जिसको आज बांग्लादेश कहते हैं, 10 साल के अंदर न ब्राह्मण बचेंगे, न क्षत्रिय बचेंगे, न वैश्य बचेंगे, न दलित बचेंगे, न हिंदू बचेंगे, न जैन बचेंगे, न बौद्ध बचेंगे, न सिख बचेंगे। कश्मीर में न ब्राह्मण बचे, न क्षत्रिय बचे, न वैश्य बचे, न दलित बचे, न हिंदू बचे, न जैन बचे, न बौद्ध बचे, न सिख बचे। नागालैंड में, लक्षद्वीप में, मिजोरम में, मणिपुर में, लद्दाख में, लक्षद्वीप में न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न दलित है, न हिंदू है, न जैन है, न बौद्ध है, न सिख है। नौ राज्यों में, नौ राज्यों की बात कर रहा हूं। समाधान क्या है? बीमारी की चर्चा करने से बीमारी ठीक नहीं होती, इसलिए बात करते हैं समाधान की।